गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेकंड एक्सरसाइज 7.2। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट टू क्वेश्चंस वी हैड डिस्कस्ड। थर्ड क्वेश्चन इज, इन द थर्ड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज गिवन इन दिस to conduct a sports day activity in a your rectangular shaped school ABCD. Lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other. Niharika runs 1/4 of the distance AD. देखो इधर, ये distance AD given है, जिसमें 1 centimeter के gap पर, 1 meter के gap पर plants हैं, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे 100 जो है फ्लावर पॉट्स हैं। अगर 1 1 मीटर के गैप पे जो प्लांट्स हैं या फ्लावर पॉट्स हैं वो रखे हैं, टोटल 100 है, 100 फ्लावर पॉट्स है, तो टोटल गैप कितना हो गया? 100, एक के बीच में कितने का गैप है? 100, 1 मीटर का, 1 मीटर, 1 मीटर कितनी बार है? 100 टाइम्स। तो टोटल गैप कितना हो गया? 100 मीटर, ठीक है। इसमें कहते हैं ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, निहारिका जो गर्ल है वो फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड वाली लाइन पे वो यहाँ कहीं उसकी पोजीशन है, ठीक है, या सपोज यहाँ पर है, क्योंकि ये काफी बड़ा है, 100 मीटर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ ऐसे देखो। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, क्योंकि 2 नंबर पे है, सेकंड लाइन पे है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/4 ऑफ 100 मीटर, कितना आ जाएगा? 25 मीटर। x कोऑर्डिनेट हो गया 2, y कोऑर्डिनेट हो गया 25, तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 2, 25, ठीक है। ये निहारिका का जो पॉइंट है जहां पे उसकी पोजीशन है, ये उसका कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से एक और गर्ल है प्रीति, शी रन्स 1/5 ऑफ एडी, 1/5 ऑफ एडी, एडी कितना है? 100, कितना आएगा? 20, एंड शी इज ऑन द 8th लाइन, 8th लाइन पे है, तो 8, 20, ये निहारिका की पोजीशन है, ये प्रीति की पोजीशन है। आपने क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, उन दोनों के हाथ में फ्लैग है, इनके बीच में गैप फाइंड करना है। क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से गैप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly the half way between the line segment joining this, where should she post her flag? क्या करेंगे? मिड पॉइंट फ्रॉम, ठीक है। ये निहारिका की पोजीशन है, इसे ए ले लो, ये प्रीति की पोजीशन है, इसे बी ले लिया, ये कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करके दिखाने हैं, ठीक है। आप यहां लिखोगे निहारिका is at 2, 1/4 of 100, that is 2, 25, and Preeti is at 8, 1/5 of 100, that is 8, 20. Distance, take it as A, B. Distance A, B is given by, you will write the distance formula first. Distance formula, 8 - 2 whole square, 20 - 25 whole square. This is 6 square. 6 square is 36. 5 square is 25. Answer will be √61. मीटर, ठीक है, क्लियर। अब जो एक और गर्ल है रश्मि, शी हैज प्लेस हर फ्लैग इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सो यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी,
by using midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus 8 plus 2, 10, 5 aa jayega, 25 plus 20, 45 and half of 45 is 22.5. ठीक है, ये आ गया रश्मि के फ्लैग की पोजीशन आ गई। हैव यू ट्राइड क्वेश्चन नंबर 5 यस्टरडे आई हैड गिवन यू फॉर द होमवर्क? नहीं किया आपने? आप कल क्लास में थे? गरिमा, एनी डाउट? और फिर ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 5? एक क्वेश्चन ही दिया था मैंने, ज्यादा काम तो दिया ही नहीं। ये भी कर लेना था एक क्वेश्चन, जब दिया है काम तब करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो। व्हेन यू हैव टू फाइंड द रेशियो विच फॉर्मूला यू विल यूज? सेकंड फॉर्मूला के, दैट इंक्लूड के, k x2 plus x1 upon k plus 1, k y2 plus y1 upon k plus 1. So what is given here? You have to find the ratio in minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 is divided by the point minus 1 comma 6. P point is given, x1 y1, x2 y2 is given. You have to find the ratio. Let k is to 1 be the ratio. Okay, so p x y is given by k x 2 plus x 1 upon k plus 1, k y 2 plus y 1 upon, and this point is given as minus 1 comma 6, and this point is k times x 2 x 1 k y2 plus y1 now how you will get the value of k? Both are equal, so we will compare minus 1 with this, 6 with this. Yes, you, if you compare both, you will get the same answer. So better to compare only one ratio. Okay? Either you can combine x ratio or you can take compare y coordinate as well. Okay? Kisi ko bhi compare kar lo. First wale ko compare kar lete hain. Cross multiply minus k minus 1 is equal to 6k minus 3, minus 1 plus 3 is equal to 6k plus k, 7k is equal to 2, k is equal to 2 by 7. Ratio kya aa gayi? 2 is to 7. Ratio hai kya? K ratio 1, k ki value kya hai? So 2 ratio 7. या इसका मतलब क्या है? के रेश, के के नीचे कुछ नहीं है, है क्या ये के बाय 1? तो रेशियो क्या थी? के रेशियो 1, तो आगे 2 रेशियो 7. आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके देखो, आंसर सेम आएगा. ठीक है, एक्चुअली के तो एक ही है ना, चाहे उससे फाइंड करो ये, इससे आंसर विल बी सेम. तो के रेशियो 1 इज 2 रेशियो 7. आप कल थे क्लास में? आप कहाँ थे कल हिमांशु? वो तो मुझे भी पता, ये क्लास अटेंड की थी घर से?
क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन सेम. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -5 -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है. इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. सो द पॉइंट विल बी एक्स कॉमा 0. तो आपके पास पी आ गया है. सो पी एक्स कॉमा 0 बी द पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो के रेशियो 1. ठीक है, रेशियो फाइंड करनी है. सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस पॉइंट लास्ट क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ गिवन नहीं है, तो ये आपने खुद लिया. ठीक है, तो एक लाइन ऐड करेंगे यहाँ पर. ये चेक करना पॉइंट ठीक लिखे मैंने. लेट पी एक्स कॉमा 0 बी द पॉइंट विच डिवाइड ए बी, इसे ए इसे बी. ठीक है, क्लियर है. रेशियो विल बी सेम, दिस फॉर्मूला विल बी सेम. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज हियर. इसकी वैल्यू क्या है? इसकी एक्स कॉमा 0. के इज नॉट गिवन. एक्स 2 बोलो -4, x1, 1. कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा एक बार. आप कह रहे हो सीधा इसके साथ, हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक बार फॉर्मूला जरूर लिख देना, चाहे डायरेक्ट उसके बाद कर देना, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना. इस बार तो चल जाएगा, लेकिन जब आगे सब्जेक्टिव है तब मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं. y2, y1 जितना नेसेसरी है उतना तो लिखना ही पड़ेगा ना, ज्यादा स्टेप नहीं मिस करने हैं ताकि मिस्टेक ना हो. नंबर नहीं कटने चाहिए, सबसे मेन बात ये है. ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. एक्स को कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि एक्स भी अननोन है, के भी. किसको करेंगे? 0 को. तो वहां से क्या आ जाएगा? के आ जाएगा. के आएगा, के आ गया मतलब रेशो आ गई, फिर वो के यहाँ पुट कर देना, एक्स आ जाएगा. एक्स फाइंड करना है, के और एक्स दोनों ही फाइंड करना है. नाउ कंपेयर द वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 इज इक्वल टू 5 के माइनस 5 अपॉन के प्लस 1, 5 के माइनस 5 इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1. रेशो क्या आ गई? 1:1 रेशो आ गई. अब ये k की वैल्यू 1 आई है, उसमें पुट कर दो. सेकंड को कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू, नाउ वी आर कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट. k 1 है, x आ गया. व्हाट वी हैव सपोज इन द बिगिनिंग, px, 0 -3/2, 0 ये पॉइंट आ गया, रेशियो आ गई 1:1. दोनों चीजें फाइंड करनी थी, रेशियो भी और पॉइंट भी. क्वेश्चन नंबर 6. इफ 1, 2, 4, 0, x, 6, and 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, लेट ए 1, 2, b, 4, y, c, x, 6,
बी थ्री कॉमा फाइव बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई. These four are the vertices of the parallelogram. How you will find x and y here? हाँ, AC और BD का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा क्योंकि प्रॉपर्टी है डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो AC जो डायगनल है A B C D, AC और BD का जो मिड पॉइंट है दैट विल बी सेम. अगर आप इसमें कोई और प्रॉपर्टी लगाते हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, ऑपोजिट साइड का या कुछ भी. ये एग्जाम में आता है, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स रिव्यू करो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा उसमें. और ये क्वेश्चन वन मार्क के लिए आता है सिर्फ, वन या टू में. तो अगर आप कोई लॉन्ग प्रोसीजर के लिए जाते हो जैसे पहले आता था साइड्स को इक्वल करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो बेटर टू गो फॉर दिस. तो वन मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है. तो मिड आप क्या लिखोगे, डायगनल्स, राइट डाउन डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी. एसी का मिड पॉइंट, हाँ जी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, एसी का मिड पॉइंट वन प्लस एक्स अपॉन टू, 2 प्लस 6 अपॉन 2. फॉर्मूला जरूर लिख देना एक बार, यहां पे लिख देना फॉर्मूला जरूर लिखना है भाई, ठीक है. अभी टेस्ट वगैरह में तो पूरा टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव भी होंगे तब पूरा पूरा लिखना है. एग्जाम में फॉर्मूला आना चाहिए, आंसर आपने देना है डायरेक्टली इसका. बी डी बी डी 4 प्लस 3 बाय 2 5 प्लस वाई बाय, कंपेयर कर ले देख लो वर्बली कंपेयर हो रहा है ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, क्या आएगा बताओ. वन प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री अपॉन टू दैट इज सेवन बाय टू एक्स प्लस वन बाय टू, टू कैंसिल एक्स कितना आ गया सिक्स, क्लियर है ये. टू क्यों कैंसिल की है, डिनोमिनेटर में सेम होता है कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जब होल अपॉन होता है, ठीक है. वन सेपरेट नहीं, अगर होता तो कैंसिल नहीं होना था. अगर ये ऐसे होता ना तब नहीं कैंसिल होना था, पहले एलसीएम लेते फिर कैंसिल होना था, अभी नहीं हो सकता. इस टाइम पे हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट है. नाउ कंपेयर वाई कोऑर्डिनेट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा थ्री आएगा, एट माइनस फाइव थ्री, 8 by 2 is equal to x आ गया 6, y आ गया 3, ठीक है. वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर सेवन करो, सेम है क्वेश्चन नंबर सेवन, ट्राई करो, बिल्कुल सेम है, इसी टाइप का ही है. थोड़ा सा देखो जरा, है मिड पॉइंट का ही, लेकिन कैसे करना है बताओ. एक सर्कल गिवन है, उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन मतलब डायमीटर के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक गिवन है एक गिवन अननोन है, ठीक है. मिड पॉइंट गिवन है मतलब सेंटर गिवन है सर्कल का, क्या करेंगे फिर. सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ बच्चे, ज्यादा क्लियर होगा. हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, देखो ना ऐसे सर्कल गिवन है क्वेश्चन नंबर सेवन में, सर्कल गिवन है, ए बी डायमीटर गिवन है, बी गिवन है, क्या है आपको ये कोऑर्डिनेट गिवन है 1.4, मिड पॉइंट गिवन है मतलब इसका सेंटर गिवन है, क्या है 2, ये गिवन है आपको, ये निकालना है, इसको ले लो एक्स वाई, ठीक है. ये क्या है 2, -3 क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी,
जो ये सेंटर है 2, -3, ये क्या है? ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे किस पे? ए बी पे। ए बी पे लगाएंगे ना, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट ये है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला विल बी अप्लाइड ऑन ए बी। तब क्या लिखोगे? 2, -3 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ठीक है, ये लगा दो फॉर्मूला। एक्स प्लस 1/2 वाई प्लस 4/2 कर लो सॉल्व। एक्स बोलो क्या आएगा? एक्स आएगा 3। -10 क्या हुआ? इसको इसके साथ करो इक्वल। देखो 2 इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल है ना, बीच में इक्वल डालो। x कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वल कर दो, y को y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। देखो x प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। जब कोई चीज किसी के ऊपर लाई करती है ना और मिड पॉइंट दिया हो, मतलब उसके हाफ में आ रही है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये ना कहा होता कि मिड पॉइंट है, सिर्फ ये कहा होता कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, फिर रेशियो निकालते, क्योंकि तब क्लियरली गिवन नहीं था ना कि मिड पॉइंट है। हमें पता है कि रेड जो सेंटर होता है वो डायमीटर क्या क्या होता है, मिड पॉइंट पता ही है हमें, इसलिए लगाया मिड पॉइंट, अदरवाइज नहीं लगना था। ठीक है, हाँ फिर सेक्शन फॉर्मूला से करते, लेकिन इस पे लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो पॉइंट भी अननोन है, रेशियो भी अननोन है, तो उस केस में कुछ और दिया होता। ठीक है, क्या हुआ? दे लो उससे, दे दो दे दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आता है एग्जाम में ये भी। इस तरह का क्वेश्चन तो देखो सेम वैसे ही है रेशियो वाला, लेकिन थोड़ा देने का वे अलग है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में ये पूछ सकते हैं, डायरेक्ट की बजाय ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो इधर क्या कहता है, फाइंड द कॉर्ड ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ए और बी आपको गिवन है, ये ए है -2, -2, ये बी है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, सच दैट ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी। जो ए पी पोर्शन है ये 3/7 है इस पूरी लाइन का। क्या मीनिंग है इसका? ए पी जो है इस पूरी लाइन, अच्छा एक मिनट यहां देखना, इसको ऐसे लिखे। ठीक है, ये समझ आ रहा है? एपी को बी को यहाँ ले आए, एपी कितना है? 3, ए बी कितना है? अच्छा आपको एक और बात बता दें कि जब रेशो ब्रेक होती है, ये रेशो है, ये रेशो है, ये रेशो नहीं है, ये पार्ट है, मतलब जो एपी है वो थर्ड पार्ट है आउट ऑफ 7, ये रेशो नहीं है, ये क्या है? आपको पता है जैसे हम 2:3 लिखते हैं, जब ऐसे रेशो है, जब इसको अपॉन में लिखना होगा एज अ फ्रैक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे? मतलब ये क्या है? 2/5, मतलब 5 में से ये 2 पार्ट है, और ये कितना है? 3 पार्ट आउट ऑफ 5। तो ये सेम है, ये रेशो नहीं है, ये क्या है? ए बी पूरा 7 है, पूरा 7 का मतलब समझ लो 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर नहीं है, ये कोई 7 किसी चीज का 7th पार्ट है, मतलब चाहे वो उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि रेशो की जो यूनिट होती है वो सेम होती है और वो बाद में कैंसिल हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे 6/14 लिखूं, उसकी कटिंग कर दूं, तब भी यही मतलब है। अगर मैं इसको 12/28 लिखूं, कटिंग कर दूं, तब भी यही मतलब है। इसका मतलब हम श्योर नहीं है कि ये 7 है या नहीं, लेकिन ये जरूर बता रहा है कि जो भी चीज थी उसको कट करके ये आया है, या ये था जो भी है, ये दिया यही हुआ है आपको, ये रेशो नहीं है, बस ये पक्का है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो चीज है ये सेवन है, इसमें से ये थर्ड पार्ट है, अगर ये सेवन है तो ये कितना होगा, तो रेशो बन जाएगी थ्री रेशो फोर। बात समझ आई? ये तो आपको वर्बली बोल के बताने के लिए था, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं दोनों तरफ माइनस वन करके। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये ट्राइंगल चैप्टर का है, जो अभी हम आगे करेंगे, ये जो कंसेप्ट है ना ये वहां पे ना एज अ रिजल्ट आपकी बुक में दिया हुआ है कि किसी भी रेशो को पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको वन में से माइनस कर दो तो रिमेनिंग वाली रेशो आ जाती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम वहां डिस्कस करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है वहां पे जो आना था आपके लिए, ये क्लियर है आपको? अब आप माइनस करके दिखाना चाहो तब भी चलेगा, नहीं करके दिखाना चाहते ऐसे लिखना चाहो तब भी चलेगा। ठीक है, मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि अब तो चलो आपने सॉल्व करना ही नहीं है, आपने जस्ट आंसर ही बताने होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इसका। तो एपी जो है वो पूरी लाइन एबी का थर्ड पार्ट है आउट ऑफ सेवन। ठीक है, तो रिमेनिंग वाला कितना आ गया, फोर। तो रेशो बन गई थ्री रेशो फोर। रेशो गिवन है, बस हो गया क्वेश्चन, यही मेन था। रेशो गिवन है, ए और बी गिवन है, फाइंड क्या करना है, पी। पी का मतलब सेक्शन फॉर्मूला। रेशो गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट वाला, बस यही करना है। ठीक है, करो सॉल्व, करो स्टार्ट जल्दी से। क्या हुआ, पी एक्स वाई इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला लिख दो, इसको पी एक्स वाई दे दो, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता सकते हो, मल्टीप्लाई कर ले, थ्री टू जा सिक्स, एट माइनस एट अपॉन अपॉन सेवन माइनस मेन वही था, बस रेशो आ गई तो समझ लो आ गई, ऐसा आता है पक्का। ठीक है, रेशो डायरेक्ट तो पता ही आप कर ही लोगे, तो मेन ये था कि इसको रेशो को चेंज कैसे करना। अच्छा, आपको याद होगा हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब जैसे टैन की अगर रेशो दे रखी है ऐसे, टैन ए इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, तो रेशो को अगर ऐसे दे रखा है तो हम रेशो दे रखी है अगर आपको ऐसे, तो हम उसको ब्रेकअप करने के लिए क्या क्या लेते थे, यहाँ पे के लेते थे, क्योंकि रेशो कभी, रेशो का मतलब वही है ना, चाहे आप 6/14 की कटिंग करके 3/7 ले आओ, या 21/28 की कटिंग करके ले आओ, मतलब सबका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन हमें पता तो नहीं ना कौन सा है, तो इसलिए के इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि के जो है जो कैंसिल हुआ ना नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए। तो सेम वही चीज ही है, यहाँ पर 3/4 का मतलब था के, मतलब यहाँ के लिया था आपने, तो ऐसी ये है कि ये भी नंबर को आप डायरेक्ट नहीं अलग कर सकते थे, इसलिए माइनस करके अलग किया हमने, तो ये भी वही वैसे ही है, सेम कंसेप्ट है, बस लगाने का तरीका अलग है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोम्बस गिवन है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, बुक में दिया हुआ है हिंट, हाफ प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा नाइन्थ रहता है, चलो पहले टेंथ कर लो, नाइन्थ टेंथ क्वेश्चन में आपको कहता है रोम्बस है, रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है। हाँ जी, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कल बताया था मैंने, कल पता नहीं परसों कब बताया था, नहीं लास्ट मंडे को बताया था। ठीक है, जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था लास्ट एक्सरसाइज का, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे आपको कहता है इसका एरिया निकालो, कुछ भी मिसिंग नहीं है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है,
हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू. डी वन इज द फर्स्ट डायगनल, डी टू इज द सेकेंड डायगनल. इसे नेम दे दो. ठीक है, हाँ जी. ये डायगनल निकालना है, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. दोनों की लेंथ आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना. और कोई तरीका है? और कोई मेथड है? यही लगेगा, क्योंकि अगर आप डायगनल्स बाइसेक्ट वाला भी लगाते हो तो ये तो निकालनी ही पड़ेगी ना लेंथ, फिर डबल काम हो, इसलिए. ठीक है, चलो. डी वन ए सी फाइंड कर लो, दैट इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर स्क्वेयर, फोर स्क्वेयर. सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू. थर्टी टू का क्या आ जाएगा? फोर रूट टू. ठीक है, ठीक है. बी डी, बी डी फाइंड कर लो. बी डी सिक्स स्क्वेयर, सिक्स स्क्वेयर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स सेवेंटी टू, सिक्स रूट टू. ठीक है, ये फैक्टर्स ना वर्बली करने हैं. सेवेंटी टू कैसे होता है? एट नाइन से सेवेंटी टू होता है. एट का मतलब होता है टू रूट टू, और नाइन का मतलब क्या होता है? रूट नाइन का मतलब थ्री. तो जो रूट एट था और एक रूट नाइन था, इसका आया टू रूट टू और इसका आया थ्री, तो कितना बन गया? सिक्स रूट टू. ठीक है, तो वर्बली करना है, टाइम नहीं लगाना इन चीजों में. ये आ गया आपके दोनों डायगनल, यहाँ पुट कर दो, निकालो आंसर, बताओ क्या आएगा. एरिया हाफ फोर रूट टू इंटू सिक्स रूट टू. रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है? टू होता है. आंसर इज 24. कुछ दे रखा है? यूनिट नहीं गिवन, क्या आएगा? हाँ, यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट. चलो अब करो नाइन्थ क्वेश्चन, टाइम भी हो गया. नाइन्थ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, सेम है जैसे कल किया था. ट्राइसेक्ट वाला पॉइंट किया था, हाँ, यहाँ मिड पॉइंट लगेगा. देखो इधर क्या कहते हैं, बात सुन लो. आपके पास ना ऐसे दो पॉइंट गिवन है, एक ये ए कोऑर्डिनेट गिवन है, एक बी. इसको ना पॉइंट्स है जो फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर. लाइन थ्री डालेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट थ्री फाइंड करेंगे, लेकिन पार्ट्स फोर हो रहे हैं. वन टू थ्री फोर, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर. अभी इसको छोड़ दो. अगर ये लाइन है पूरी, ये पॉइंट जो यहाँ पे थे तीन, वो इसे डिवाइड कर रहे हैं फोर इक्वल पार्ट में, मतलब सबकी रेशो वन रेशो वन रेशो वन रेशो वन हो गई. ये वन इज टू वन क्या हो गया? टू. यहाँ पे वन वन क्या हो गया? टू. इसका मतलब क्यू इन दोनों का क्या बन गया? मिड पॉइंट. तो पहले आप क्यू के मिड पॉइंट निकालोगे, सबसे पहले ए और बी के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते, फिर इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. फिर जो यहाँ पे पी पॉइंट है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू. ये वन रेशो वन है. आप थोड़ा इधर हो जाओ, उसको नजर नहीं आ रहा, इधर हो जाओ. ये वन रेशो वन है, इसका मतलब पी इस दोनों का क्या है? फिर ए क्यू के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे आर, ये फिर वन रेशो वन है, तो आर क्या बन जाएगा? क्यू बी का. तीन बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना. ये कब होगा ऐसे? जब इवन नंबर्स में डिवाइड करेगा, जब ऑड नंबर में डिवाइड करेगा, ट्राइसेक का क्वेश्चन आएगा, तब एक बार लगेगा सेक्शन फॉर्मूला और एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला. लेकिन यहाँ पे तीनों बार मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये आप वर्बली फाइंड कर लेना है. ठीक है, कल हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.